नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुरानी फटी पुरानी जींस से ये सुंदर सी जूतियाँ। ये बहुत यूजफुल है, आप इसको घर में तो इस्तेमाल करेंगे ही, ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे एक जींस। ये देखिए, ये जीन्स का ऊपर का पार्ट जो कि खराब हो जाता है अगर थाई पर से अक्सर, पर ये नीचे का पार्ट बहुत ही मजबूत रहता है, तो हम इसी से बनाएंगे। जिस भी नाप का बनाना है वो वाले स्लीपर को या शूज को आप रख के और ये ऐसे निशान बना लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। ये नीचे का, इसको कट करना है। अब ये ऊपर का पार्ट बनाने के लिए वापस इसी स्लीपर को हमने ऐसे रखा है, ये देखिए, और जो यहाँ से ये लगा रहता है उसी जगह से थोड़ा बाहर बाहर करके सामने टच करते हुए हमने ये निशान बनाया है। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर रखना है और सामने में ऐसे करके, और फिर अंदर से ये कि ये यू शेप का निशान बना लेंगे। ये जो मैंने फ्लावर्स बनाया है इसके लिए हमने, ये डबल है, ये आप देख रहे हैं, मैंने डबल ही पकड़ा है इसको। ऐसे तीन जगह से गोल गोल करके हम ऐसे निशान बना लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये एक पैर का भी मैं बना के बता रही हूँ, वैसे ही सेम दूसरे पैर का भी बनाना। ये मैंने कट कर लिया है और ये ऊपर का जो बनाएंगे वो, और ये मैंने सर्कल काट के रख लिया फ्रेंड्स। लेकिन हम बना रहे हैं जूतियां तो ये कॉटन रहता है, अगर कहीं पे पैर नीचे गीला हो तो हमारा पैर, ये शूज जो है गीला हो जाएगा और हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये मेरे पास एक आटे का पैकेट था, मोटा थोड़ा रहता है उसका पॉलीथीन, तो मैंने वहां पे उसको लिया और उसको निशान बना के मैंने एक पैर का, ये देखिए जैसे उसको रखे थे वैसे ही इन चप इसको स्लीपर को रख के और मैंने ये कट कर लिया है। अब हम इसको उसके बीच में लगा देंगे जिससे कि हमारी थोड़ी टाइट भी रहेंगी जूतियां और गीली भी नहीं होंगी। ये देखिए, मैंने दोनों के बीच में ये जो प्लास्टिक था उसको लगा दिया, इसके वजह से ये अच्छा कड़क हो गया है। और मैंने यहाँ दो जगह नीडल से इसको सेट कर लिया ताकि आगे पीछे ना खिसके। अब हम इसको यहाँ सामने रख के यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ऐसे किनारे पकड़ पकड़ के इसको सिलते जाएंगे, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ऊपर का बस ये सिंगल लिया है क्योंकि ऊपर में ज्यादा मोटा की जरूरत नहीं है, और हम मैं इसको हाथ से सिलने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसको मशीन से सिलेंगे लेकिन उतना अच्छा लुक नहीं दिखता, तो ऐसा वाला ये लुक लाने के लिए मैं इसको हाथ से सिलूंगी, जिसके लिए मैंने मोटी वाली बड़ी सुई में डबल धागा डाला है मोटा वाला। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सिलना, लेकिन फाइनली सिलाई जाता है ये। ये देखिए, इसको ऐसे करके हम ये डालें और ये धागे के अंदर से इसको ऐसे निकालते जाएंगे। बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका, और ये किनारे से काफी कड़क भी हो जाता है जो कि पहनने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ऐसे करके हम ये सब तरफ से सिल लेंगे और फिर आखिरी में हम इसको ऐसे शो के लिए इसको भी सिलेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे सब तरफ से सिलते जाएंगे, दोनों तरफ से ऐसे दिखता है। जब ये पूरा सिल जाएगा तो हम ये दोनों तरफ से निडिल को निकाल लेंगे। तो ये हमारा ऐसे सिल के, ऐसे मैंने किनार किनार से सिल दिया है और फिर ये आखिरी में हम इसको सिल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाना है। फ्लावर्स बनाने के लिए जो हमने गोल गोल सर्कल में काटा था, कोई भी छोटी सी चीज, कोई कैप से आप इसके सर्कल को काट लेंगे, और मैंने उसको आधा आधा कर दिया है। ये देखिए, तो मैंने ये दो फ्लावर्स बनाने के लिए पांच और पांच, फाइव फाइव टुकड़े लिए हैं, और इसको इस प्रकार से पकड़ के छोटा छोटा चुन्नट बनाएंगे इसमें। नीडल थोड़ी सी हमको तेज धार वाली लेनी पड़ती है क्योंकि जींस काफी मोटा रहता है तो इसमें जल्दी से घुसता नहीं है। ये देखिए, मैंने एक का ऐसे चुन्नट बना के और ऐसे खींच देंगे, और ऐसे ही करके हम पांचों का चुन्नट बना ले रहे हैं, पूरे फाइव पीस का। ये मैंने पांचों को ऐसे चुन्नट बना के और ऐसे
खींच देंगे और फिर इसका जो और ये आखिरी वाला है ये दोनों को जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा फ्लावर। इसके ऊपर आप, मैंने ये जीन्स का ही बटन निकाल के रखा हुआ है, आप कोई सा भी एक बटन लगा दें, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं या घर में ऐसे कुछ भी जो भी चीजें, मैंने ये देखे ऐसे तीन कौड़ियां हैं तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, आप इसको जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से, ये मैंने पहले से बना के रखा है उसका मैंने बताया कि कितनी आसानी से फटी पुरानी जींस से हमारा कितना यूजफुल चीज बन जाता है। इसको मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कितना महंगा मिलता है और ये बहुत ही, इसका लुक बहुत ही एंटीक आता है। तो आप जिसके भी साइज का चाहें आप आराम से बना सकते हैं और इसको कहीं भी सफर में जाते हैं तो कैरी करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ऐसे फोल्ड होके आराम से कहीं भी छोटी सी जगह में आ जाता है। तो कैसा लगा हमारा ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जरूर बताइएगा, आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।